गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर से अपनी वही शॉर्ट स्टोरीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये पेट्रीफाइड तक। अब इसके आगे से पढ़ते हैं। द गोल्ड वॉज सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स। अब जैसा कि हमने देखा था कि शंकु ने चोरी कर ली है, उसने पॉकेट में रख लिया था गोल्ड वॉच, लेकिन उसके बाद उसको क्या लग रहा है कि वो वॉच बिल्कुल जलते हुए कोयले जैसी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे चिंगारियां निकल रही हैं। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, और सिर्फ वो घड़ी नहीं बल्कि उसको पूरी दुनिया ही बिल्कुल जलती हुई लग रही है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, और हर तरफ से उसको सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही महसूस हो रही है। मतलब सब कुछ उसको जलता हुआ ही महसूस हो रहा है, कोई रिलीफ उसको फील नहीं हो रहा है। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग, सब कुछ जल ही रहा है ऐसा उसको महसूस हो रहा था। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, तभी शंकु को एक आवाज आई, कोई पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो पिलर जैसे। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। शंकु बहुत ही चौंक गया और उसने पीछे देखा तो माधवन नामक एक व्यक्ति जो कि उसके ऑफिस का था वो खड़ा था, उसने वही पूछ रहा था उससे। शंकु स्टैमर्ड आउट, अब शंकु बिल्कुल हकलाने लगा, उसकी आवाज बिल्कुल लड़खड़ा गई, लेकिन उसने बोला नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं नहीं कोई बात नहीं। गो ऑन माई लायर, माधवन सेट विद अ लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क। इसके बाद माधवन ने ऐसे ही मजाक में कैजुअली उसने बोल दिया अरे झूठे, इतना कह के वो आगे बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड everyone probably knew about it, all the 800 odd workers at the factory would surround him noisily। lekin kyunki shanku ne chori kar rakhi hai to uske mann mein ye bhavna aa rahi hai ki zarur usne sab kuch dekh liya, wo jaake sabko bata dega aur fir sare workers jo hain wo usko gher lenge aur us pe chillayenge, they would look at him in scorn, wo sab usko ghrina ki nazron se dekhenge, they would all remark with derision aur sab uska mazak udayenge, thief thief, then he would be taken before the white boss and reprimanded। उसके बाद क्या होगा, वो उसको उसके बॉस के सामने ले जाएंगे और वहां पे उसको सजा सुनाई जाएगी। How sternly he would look at him, Shanku would surely be dismissed, that fellow Wacky was dismissed just for taking an old umbrella। और जब बॉस के पास ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी उसको बहुत घृणा की नजरों से देखेंगे और वो उसको मतलब जरूर ही है ऐसा कि वो उसको डिसमिस कर देंगे, क्योंकि इसके पहले ऑफिस में एक चोरी हुई थी एक अम्ब्रेला की, तब उस कैंडिडेट उस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था जिसका नाम वैकी था। तो इसने तो घड़ी चुराई है, मतलब बहुत बड़ी चीज चुराई है, जब अम्ब्रेला पे निकाला जा सकता है तो घड़ी पे निकाला ही जाएगा। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुस हार्ट विच वॉज सोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स, बहुत ही ज्यादा डर उसके मन में बैठ गया, एकदम से उसको सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई, बहुत डर गया था वो। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, ही वुड कैच हिम, अब जरूर गार्ड जो है उसको पकड़ने के लिए वेट कर रहे होंगे और उसको पकड़ लेंगे, नो दैट वे ले डेंजर, उस तरफ खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, अ स्कॉचिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, ये शंकु के मन में आया कि मैं इस स्कॉचिंग सिंडर को, इस चलते हुए कोयले को उसकी ही जगह पे रख दूंगा। बट देन ओ नो ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, लेकिन फिर से उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, ही वॉज एट द ऑफिस रूम, लेकिन फाइनली उसने डिसीजन लिया कि नहीं उसको घड़ी वापस रखनी है और वे ऑफिस के पास गया। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, शंकु लुक्ड अराउंड, अभी भी उसी तरह से खिड़की आधी खुली हुई है, शंकु ने हर तरफ देखा, नो वन वॉज देयर, नो वन एट ऑल। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने देख लिया कि किसी तरफ कोई भी नहीं था तो उसने जल्दी से घड़ी को अपनी पॉकेट से निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक एन एस्पन लीफ, वो उसके हाथ बिल्कुल कांप रहे थे एस्पन लीफ की तरह जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती, उसी तरह से कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट, उसने फिर से एक बार अपनी परेशानियों के ऊपर सोचा, उसके ब्याज मतलब उसके वो कर्ज के बारे में, उसकी परेशानियों के बारे में फिर से सोचा, लेकिन क्या हुआ, व्हाट वाज टू बी डन, फिर से उसके मन ने कहा कि क्या करें, क्या किया जाना चाहिए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, उसको बहुत घुटन सी महसूस, उसका दम घुटने लगा। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसको लगा कि पीछे से कोई किसी के कदम की आवाज आ रही है, किसी की आहट महसूस हुई। समवन वॉज रिटर्निंग, उसको लग रहा है कि जरूर कोई वापस आ रहा है। He put the watch
ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे. उसने क्या किया, उस घड़ी को चल पॉकेट से तो उसने निकाले थे, तुरंत ही उसको टेबल पे रखा और वहां से चला गया. तो इस तरह से हमारी स्टोरी खत्म होती है.